सब्सक्राइब करें कैसे ना मैथ सॉल्यूशन क्लास 12 चैनल को एंड प्रेस बेल आइकन फॉर अपकमिंग वीडियोस। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल कैसे सीना मैथ सॉल्यूशन। इस वीडियो में आज हम एक्सरसाइज 19.13 के क्वेश्चन नंबर 3 to 5 सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका देखिए, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है का फर्स्ट देखिए ये है। तो जो मेथड है क्वेश्चन को सोल्व करने का, उस मेथड में देखिए आपको सोल्व करते हैं। गिवन है आपका इतना क्वेश्चन, तो लेट आपका जो इंटीग्रेंट है उसको मानिए, लेट एक्स अपॉन इतना इज इक्वल टू फर्स्ट फैक्टर को ए अपॉन एक्स माइनस वन कर दिए, सेकंड फैक्टर को बी मानते हैं तो बी अपॉन एक्स माइनस टू, और थर्ड फैक्टर है तो सी अपॉन एक्स माइनस थ्री। ठीक है ना। अब हम क्या किए हैं देखिए, इस तीनों का एलसीएम लिया तो आपका इतना आ गया। अब फिर इससे इसमें डिवाइड दिए तो बचेगा आपका ये और ये, तो ए इंटू इतना, तो इसने मल्टीप्लाई कर दिया तो आपका आ गया इतना, ये जो था इतना उतर गया है। इसका इससे हम अब डिवाइड दिए हैं एलसीएम में, तो आपको ये तो कट जाएगा तो बचेगा ये और ये, तो इससे इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा आपका ए में, तो मल्टीप्लाई कर दिए हैं। फिर बी से डिवाइड देते हैं इसमें एलसीएम में, तो ये कटेगा आपका तो बचेगा ये और ये, तो बी से मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें ये और ये। देखिए हो गया है बी इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस थ्री, सी से सी अब इससे डिवाइड देंगे इसमें, तो ये आपका कट जाएगा ये भी, तो बचेगा ये और ये, तो सी में मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखिए सी इंटू एक्स माइनस वन इतना, ठीक है। तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल होने का कारण कट जाएगा, तो बचेगा एक्स इक्वल टू इतना मल्टीप्लाई में है इतना और ये वाला, ये वाला और ये वाला, ठीक है। यानी थ्री पार्ट्स ए बी सी। अब नाउ ए और बी सी का हम वैल्यू निकालते हैं, तो ए का वैल्यू कैसे निकलेगा, जब बी और सी का वैल्यू जीरो हो जाएगा। तो जीरो करने के लिए हम देखते हैं कि एक्स का कौन सा वैल्यू डालें इस दोनों में, बी और सी में, कि इसको जीरो बना दें। तो एक्स का वैल्यू वन, एक्स का वैल्यू वन, तो इसको टोटल को जीरो बना देगा, वन अगर पुट करते हैं तो इसको भी जीरो बना देगा। देखिए तो एक्स इज इक्वल टू वन लिए, तो देखिए एक्स इज इक्वल टू वन लिख दिए, एक्स का वैल्यू डालेंगे ना यहाँ पे, तो वन हो जाएगा इज इक्वल टू ए इंटू वन माइनस टू इंटू वन माइनस थ्री, अभी का वैल्यू जीरो, सी का भी वैल्यू जीरो। तो इस हिसाब से देखिए यहाँ से आपको निकला, इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका हो जाएगा टू ए इज इक्वल टू वन, तो ए का वैल्यू निकल जाएगा वन बाई टू, ठीक है। इसी प्रकार अब हमको बी का वैल्यू निकालना है, तो देखना है कि ए और सी को हमको जीरो बनाना है, तो एक्स का कौन सा वैल्यू डालें कि जो ए और सी को जीरो बना देवे। तो एक्स का वैल्यू देखिए कौन सा है, तो टू, यहाँ पे आप टू दीजिएगा तो टू माइनस टू इक्वल टू जीरो, तो टोटल जीरो हो जाएगा। यहाँ पे भी देखिए टू माइनस टू इक्वल टू जीरो, तो ये सी को भी टोटल जीरो बना देगा। तो एक्स इक्वल टू टू रखते हैं, तो हमारा देखिए एक्स का वैल्यू है तो टू रख दिए इक्वल टू इक्वेशन में, तो ए ए का वैल्यू क्या हो जाएगा जीरो टू रखने पर, बी बी इजिकल टू माइनस वन इंटू टू माइनस थ्री, इतना वैल्यू रख दिए हम इसमें टू का वैल्यू एक्स का वैल्यू, ये आपका तो जीरो हो जाएगा जीरो। यहाँ से आपका बी का वैल्यू निकल गया माइनस टू, ठीक है। अब एक्स इजिकल टू थ्री यानी सी का वैल्यू निकालना हमको, तो एक्स का वो वैल्यू रखना है जो ए और बी को जीरो बना दे। तो एक्स का वैल्यू कौन सा होगा, यहाँ थ्री, अगर हम थ्री यहाँ रखते हैं तो थ्री माइनस थ्री इजिकल टू जीरो, यानी ए इजिकल टू जीरो, यहाँ पर भी देखिए थ्री माइनस थ्री इजिकल टू जीरो इजिकल टू बी इंटू जीरो, यानी और बी बी का वैल्यू जीरो हो जाएगा। पुटिंग एक्स इजिकल टू थ्री वी गेट थ्री, एक्स की जगह पर थ्री रखते हैं तो थ्री इजिकल टू ए का वैल्यू जीरो, बी का वैल्यू जीरो, और सी का वैल्यू देखिए थ्री सी इंटू थ्री माइनस वन, यानी एक्स माइनस वन, तो थ्री माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू, तो एक्स माइनस टू लिख दिया। तो यहाँ से देखिए इसको सॉल्व कीजिएगा तो आएगा टू सी इजिकल टू थ्री, तो सी का वैल्यू निकल जाएगा थ्री बाई टू। नाउ इंटीग्रेशन आए देखिए, इतना है आपका इंटीग्रेशन, तो लिख लिए इंटीग्रेशन आए इजिकल टू इतना। अब ये पार्ट जो है किसके बराबर है, देखिए यहाँ दिस पार्ट इज इक्वल टू दिस पार्ट, देखिए ऊपर में ये वाला पार्ट जो है उसके बराबर है, तो इसके जगह पे हम ये लिख देंगे, देखिए लिख दिए हैं, सबको अलग अलग इंटीग्रेट कर दिए हैं, ठीक। अब क्या किए हैं देखिए, एक कॉन्स्टेंट था तो एक बाहर कर लिया और इसका इंटीग्रेशन ले लिया, बी भी कॉन्स्टेंट था तो बाहर कर लिया इसका इंटीग्रेशन ले लिया, अलग अलग तीनों को सेपरेट, सी बाहर था कॉन्स्टेंट तो इसको बाहर कर दिए, वन अपॉन एक्स माइनस थ्री डी एक्स हो गया। अब देखिए ए का वैल्यू क्या है आपका निकला हुआ है वन बाई टू, तो वन बाई टू पुट किया, यानी ए बी और सी का वैल्यू पुट किए हैं और इस तीनों का इंटीग्रेशन किए हैं, यानी ए का वैल्यू वन बाई टू, इसका इंटीग्रेशन लॉग एक्स माइनस वन, बी का वैल्यू माइनस टू तो माइनस टू, इसका इंटीग्रेशन लॉग एक्स माइनस टू, और सी का वैल्यू कितना है थ्री बाई टू इक्वल टू लॉग एक्स माइनस थ्री प्लस सी, ये जो है आपका आंसर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर थ्री का टू,
ये आपका क्वेश्चन है इतना। देखिए इंटीग्रेशन आई गिवन आई इक्वल इतना, एक्स स्क्वायर माइनस वन को हम एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन लिख सकते हैं, बिल्कुल 2x+3, यानी इतना तक समझ गए आप कैसे आ गया है। नाउ आगे देखते हैं, 2x-3 / x-3 लेट, जो आपका इंटीग्रेंट है इतना है, इसको हम अलग अलग सेपरेट इंटीग्रेंट कर दिए हैं जो आपका मेथड है सॉल्व करने का, उसके आधार पे फर्स्ट फैक्टर a अपॉन x-1, सेकंड फैक्टर b अपॉन x+1, c अपॉन 2x+3, थर्ड फैक्टर ये है। नाउ क्या किया देखिए, फिर इसका एलसीएम लिया है, तो एलसीएम लीजिएगा आपका इतना हो जाएगा, ये तीनों का एलसीएम इतना, अब इसे इसमें डिवाइड दीजिए इसमें, तो बचेगा ये कटेगा बचेगा ये दोनों, तो ये दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा हमें, तो किए हैं इसी प्रकार बी और सी में भी हो जाएगा, इससे डिवाइड देगा इसमें तो ये कटेगा बचेगा ये और ये, तो इससे दोनों से आप बी में मल्टीप्लाई कीजिएगा ठीक, और सी से देखिए तो इसमें डिवाइड दीजिएगा इससे, तो बचेगा ये कट जाएगा बचेगा ये और ये, तो इन दोनों से आपको सी में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, देखिए किए हुए हैं ठीक है। अब देखिए आपका ये पार्ट ये वाला और ये वाला कट जाएगा, बचेगा 2x-3 = इतना ठीक है। तब अब हम निकालें ए बी और सी का वैल्यू निकाल दिए हैं पुट करके, x = 1 पुट करेंगे तो आपका ए का वैल्यू आ जाएगा -1/10। तो अब देखिए ए का वैल्यू हम वन x = 1 क्यों पुट किए हैं, अगर हम इसमें बी और सी को 0 बनाना है तो यहाँ पर 1 पुट करेंगे तब ना ये 0 बनेगा, यहाँ पर 1, तो ये बी और सी 0 बन जाएगा, तो x = 1 पुट किए हैं। इसी प्रकार हमको बी का वैल्यू निकालना है तो ए और सी को 0 बनाना पड़ेगा, तो यहाँ पर हमको -1 करेंगे तो -1 + 1 = 0 हो जाएगा, ये तो ये भी 0 हो जाएगा, समझ गए। इसी बात आधार पे आपका ए बी और सी तीनों का वैल्यू निकल गया ठीक है। नाउ सी का वैल्यू आपका इतना आ गया, नाउ इंटीग्रेशन देखिए i = ये आपका इंटीग्रेंट है, इस इंटीग्रेंट के बाद कितना है किसके बराबर है इस पार्ट के, देखिए इस पार्ट के बराबर है, इसके इस जगह इंटीग्रेंट के बदले हम इस पार्ट को लिख देते हैं, देखिए लिख दिए हैं अलग अलग तीनों को एक साथ, नाम देखिए अलग अलग तीनों को अब इंटीग्रेट किए हैं ठीक है। तो ए कांस्टेंट था तो बाहर आ गया, इसका इंटीग्रेशन लिए, बी कांस्टेंट बाहर था बाहर है कांस्टेंट है इसका इंटीग्रेशन लिए, सी कांस्टेंट था तो बाहर इसका इंटीग्रेशन ठीक है। एक बी और सी तीनों का वैल्यू पुट करते हैं और इसका इंटीग्रेशन लेते हैं, ए का वैल्यू -1/10 log x-1, बी का वैल्यू कितना है आपका, बी का वैल्यू देखिए 5/2, 5/2 log x+1, और सी का वैल्यू देखिए आपका है कितना है -24/5, इतना लीजिए लॉग इतना, तो लेकिन एक्स का देखिए कोएफिशिएंट क्या है 2 है, तो 2 से डिवाइड देना पड़ेगा, तो देखिए 2 से डिवाइड दिया है ठीक है, log 2x+3 -1/10 log x-1 +5/2 log x+1 आपका आंसर हो गया। देखिए 2 2 कटेगा तो -12 बचेगा ना, -12/5 log 2x+3 प्लस से आपका आंसर हो गया। एक बार फिर से देख लीजिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट आपका क्वेश्चन है, गिवन है इंटीग्रेशन आई इक्वल टू इतना ठीक। नाउ जो मेथड है सॉल्व करने का, उस मेथड के आधार पर देखिए ए अपॉन फर्स्ट फैक्टर प्लस बी अपॉन सेकेंड फैक्टर प्लस सी अपॉन थर्ड फैक्टर। नाउ इसको तीनों का एलसीएम लीजिए और एप्सिलॉन लेने के बाद पे इतना आ जाएगा, यानी इतना इतना एलसीएम आएगा, तो इससे डिवाइड दीजिएगा इसमें, तो ये कट जाएगा ये दोनों बचेगा, तो इस दोनों से ए में मल्टीप्लाई होगा, तो देखिए किए हैं। इसी प्रकार बी में ये कट जाएगा तो ये बचेगा ये दोनों, तो इस दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा बी में, तो देखिए किए हैं। सी में भी उसी जस्ट वही प्रोसेस है ठीक है, तो इतना आप समझ गए ना, ये वाला पार्ट इक्वल है तो कटेगा आपका, बचेगा 3x-1 = ए इंटू x-2 × x-3 इतना, ये वाला पार्ट बचेगा प्लस बी प्लस सी, यानी 3 फैक्टर्स है तो 3 पार्ट्स आएगा आपका। अब देखिए क्या किया गया, एक्स वैल्यू 1, 2 और 3 पुट करके ए बी और सी तीनों का वैल्यू निकाल लिया गया है ठीक है। देखिए ए का वैल्यू आया आपका 1, बी का वैल्यू -5 और सी का वैल्यू 4 ठीक है। नाउ आपका इंटीग्रेशन ये है ठीक है, इसके बदले हम ये लिख सकते हैं इतना ठीक है। अब हम क्या करते हैं, तीनों को अलग अलग इंटीग्रेट करते हैं, देखिए किए हैं अलग अलग कर दिए इंटीग्रेट। अब क्या करते हैं, ए का बी और सी का वैल्यू कर पुट करके और तीनों को अलग अलग इंटीग्रेट कर देते हैं, ए का वैल्यू 1 × ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू -5 और सी का वैल्यू 4 ठीक है। इसका इंटीग्रेशन log x-1, इसका इंटीग्रेशन log x-2,
और इसका इंटीग्रेशन लॉग एक्स माइनस थ्री प्लस ए, ठीक है, ये वन इंटू लॉग, तो वो लॉग ही हो रहा जाएगा इतना, तो लॉग एक्स माइनस वन माइनस फाइव लॉग एक्स माइनस टू प्लस फोर लॉग एक्स माइनस थ्री, ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर टू देख लीजिए, फोर का ये आपका क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन आई इक्वल टू इतना, लेट इंटीग्रेंड इतना इक्वल टू इतना, जो प्रोसेस में दो फैक्टर है तो दो फैक्टर में रिजोल्व कर दिया इसको, पार्शियल फ्रैक्शन एक्स अपॉन इतना, तो एलसीएम लीजिए, तो ये देखिए दो फैक्टर है, तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, आपका एलसीएम जो है उतना जाएगा ये, और ये दोनों का एलसीएम, ठीक है, तो आप इतना समझ रहे हैं ये कैसे आया, इन दोनों का एलसीएम लीजिए फिर इससे इसमें डिवाइड दीजिए, तो ये कट जाएगा तो कुछ कट जाएगा, तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा हमें ये है, अब इससे डिवाइड दीजिए इसमें दोनों में, तो ये कटेगा अब ये बचेगा, तो बीच में मल्टीप्लाई हो जाएगा ये, अभी इन टू एक्स माइनस वन हो जाएगा ये है, अब देखिए ये पार्ट बराबर है तो ये दोनों कैंसिल, बचा आपका ऊपर में ये एक्स इज इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस टू प्लस बी एक्स माइनस वन, अब देखिए ए और बी का वैल्यू निकालना है, तो एक्स इज इक्वल टू वन पुट करेंगे यहाँ पे, तो आपका बी का वैल्यू जीरो, तो आपका ए का वैल्यू निकलेगा कितना माइनस वन, और एक्स इज इक्वल टू टू पुट करते हैं तो आपका ये एट जीरो जीरो हो जाएगा, तो बी का वैल्यू निकल जाएगा कितना, बी का वैल्यू आ जाएगा टू, ठीक है, यानी ए और बी का वैल्यू निकाल लिया गया पुट करके एक्स वन और एक्स टू करके, नाउ इंटीग्रेशन आई इक्वल टू इतना है आपका, यही नहीं आपको इंटीग्रेट करना है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, अब अलग अलग इंटीग्रेट करते हैं इसको, देखिए अलग अलग इंटीग्रेट किए हैं, ए कॉन्स्टेंट था तो बाहर अपॉन एक्स माइनस वन डी एक्स प्लस बी कॉन्स्टेंट है तो बाहर अपॉन एक्स माइनस टू डी एक्स, ठीक, ए का वैल्यू माइनस वन इंटू इसका इंटीग्रेशन लॉग एक्स माइनस वन, बी का वैल्यू टू, तो टू लॉग एक्स माइनस टू प्लस सी, देखिए ये पॉजिटिव है तो पहले इसको लिख देते हैं, पॉजिटिव जो होता है टर्म उसको पहले लिखा जाता है, तो इसको पहले लिख दिया है टू लॉग एक्स माइनस टू और माइनस माइनस है ना, तो माइनस लॉग एक्स माइनस वन प्लस सी, ये जो है आपका आंसर हो गया। देखिए फाइव का वन ये आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फाइव, तो गिवन है इंटीग्रेशन आई इक्वल टू इतना, इसको इंटीग्रेट करना है, तो लेट साइन एक्स को जो है ये वाला साइन एक्स इन दोनों को, यानी साइन एक्स को आप जेड मान लीजिए, लेट साइन एक्स इक्वल टू जेड, देन इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा डी जेड इक्वल टू कॉस एक्स डी एक्स, नाउ इंटीग्रेशन पे आ जाइए, तो इंटीग्रेशन आज इक्वल टू ये है, तो कोसेक डी एक्स इज इक्वल टू क्या डी जेड, देखिए कोसेक डी एक्स इज इक्वल टू डी जेड, तो पुट कर दिए अपॉन वन प्लस साइन एक्स, यानी वन प्लस जेड साइन एक्स इज इक्वल टू जेड इंटू टू प्लस जेड टू प्लस साइन एक्स जेड, इतना समझ गए, यानी साइन एक्स का वैल्यू पुट किया गया है जेड के रूप में, अब ना देखिए आपका ये इंटीग्रेंड आ गया, इसको लेट इंटीग्रे वन अपॉन वन प्लस एक्स, दो फैक्टर है, तो फर्स्ट फैक्टर को ए अपॉन वन प्लस जेड, सेकेंड फैक्टर को बी अपॉन टू प्लस जेड, ठीक है, अब इसको एलसीएम लीजिए, तो यानी ए इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा इन दोनों का मल्टीप्ल, इसका आ गया एलसीएम इतना, तो देखिए ये अलग कट जाएगा आपका ये ठीक है, तो ए इज इक्वल टू ए इंटू टू प्लस जेड प्लस बी इंटू वन प्लस जेड, इतना आ गया, देखिए आप पुटिंग जेड इज इक्वल टू माइनस वन, अगर जेड इज इक्वल टू माइनस वन पुट करते हैं यहाँ पे, तो वन माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, तो जीरो इंटू बी इज इक्वल टू जीरो, बी यानी टोटल जीरो हो जाएगा, बचेगा आपका ये, तो एक वैल्यू निकल गया कितना आपका वन, ठीक है, पुटिंग जेड इज इक्वल टू माइनस टू, टू माइनस करते हैं तो आपका बी का वैल्यू क्या निकलेगा, यानी ए है ये तो आपका जीरो हो जाएगा, तो बचेगा बी का वैल्यू निकालना है, तो बी का वैल्यू देखिए कैसे क्या आता है, बी का वैल्यू हो जाएगा आपका माइनस वन, बी इज इक्वल टू माइनस वन, नाउ इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू इतना हो जाएगा आपका, इंटीग्रेशन आई इसी को इंटीग्रेट करना है, आई इज इक्वल टू इस फॉर्म में आ जाएगा इज इक्वल टू दिस, अब अलग अलग इंटीग्रेट करते हैं, तो ए कॉन्स्टेंट है बाहर बी कॉन्स्टेंट है बाहर अपन इतना, ठीक है, इसको इंटीग्रेट करना है, तो ए का वैल्यू कितना है वन, तो वन इंटू लॉग इसका इंटीग्रेशन लॉग वन प्लस जेड, बी का वैल्यू माइनस वन, तो माइनस वन इंटू लॉग इसका इंटीग्रेशन टू प्लस जेड प्लस ए, तो वन वन से मल्टीप्लाई कीजिए तो कोई चेंजिंग नहीं होगा, तो लॉग वन प्लस जेड रहेगा, इसमें देखिए माइनस साइन से मल्टीप्लाई होगा ना, तो माइनस लॉग टू प्लस जेड हो जाएगा प्लस ए, अब देखिए लॉग एम माइनस एन, अगर इसको आप एम मानते हैं और इसको एन, तो लॉग एम माइनस एन इक्वल टू फॉर्मूला होता है लॉग एम बाई एन, देखिए लॉग एम बाई एन आ गया, देखिए क्योंकि लॉग एम माइनस लॉग एन इक्वल टू होता है लॉग एम बाई एन, आप इसको एम मान लीजिए इसको एन, तो लॉग एम माइनस एन इक्वल टू लॉग एम बाई एन फॉर्मूला के हिसाब से इक्वल टू इतना हो गया, अपडेट का वैल्यू था तो पुट कर दिया लॉग वन प्लस जेड इक्वल टू साइन एक्स, तो वन प्लस साइन एक्स अपॉन टू प्लस जेड यानी टू प्लस साइन एक्स, आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर टू देखिए,
देन इसका डिफ्रेंशिएशन कीजिए, डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा डी जेड इक्वल टू कॉस एक्स डी एक्स। ठीक, मल्टीप्लिकेशन आई इक्वल टू इतना है तो अब कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, डी जेड अपॉन वन माइनस साइन एक्स इक्वल टू क्या जेड, तो वन माइनस जेड इंटू टू माइनस जेड। ठीक है, साइन एक्स की जगह पर हम जेड पुट कर दिए, ना देखिए आपका इंटीग्रेंट इस फॉर्म में आ गया है। तो लेट वन अपॉन वन माइनस जेड जो फैक्टराइजेशन जो मेथड है सॉल्व करने का पार्शियल फ्रैक्शन उसे मेथड पे अप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट फैक्टर ए अपॉन माइनस जेड प्लस बी अपॉन टू माइनस जेड। ठीक है, देखिए अब इसको एलसीएम लीजिए, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा ये इससे, और इन दोनों का प्रोडक्ट। तो देखिए एलसीएम आपको एलसीएम लेना आता होगा मुझे विश्वास है। देखिए वन अपॉन वन माइनस जेड इंटू टू माइनस जेड। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप भी मेरी तरह दूसरों की हेल्प करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल ही कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, तो आप वीडियोज़ को जितना हो सके आप अपने फ्रेंड्स को शेयर करें ताकि उनको भी हेल्प हो सके। देखिए ये तो ये पार्ट आपका इक्वल हो गया, ये वाला कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या वन अपॉन ये बचेगा ए इंटू टू माइनस एट प्लस बी इंटू वन माइनस एट। नाउ रिजॉल्विंग इंटू पार्शियल फ्रैक्शन वी गेट ए का वैल्यू, यानी देखिए ए और बी का वैल्यू निकालते हैं। अगर जेड इज इक्वल टू वन पुट करते हैं ठीक है, तब आपका बी तो जीरो हो जाएगा, तो बचेगा आपका क्या ए इंटू टू माइनस वन इज इक्वल टू ए इंटू वन इज इक्वल टू, ए का वैल्यू वन आ जाएगा। अब बी का वैल्यू टू पुट करते हैं तो आपका हो जाएगा बी का वैल्यू माइनस वन आ जाएगा। ठीक है, आप ये माइंड में भी कर सकते हैं कितना ए और बी का वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो नाउ देखिए इंटीग्रेशन आई इक्वल टू इतना हो गया आपका, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि दिस पार्ट इज इक्वल टू दिस, इतना इज इक्वल टू इतना बराबर, तो इतना इज इक्वल टू इतना इंटीग्रेशन। अब अलग अलग इंटीग्रेट करते हैं दोनों को, देखिए आ गया ये ए कॉन्स्टेंट था तो बाहर आ गया, बी भी कॉन्स्टेंट था तो बाहर आ गया, इतना माइनस जेड डिजिट सॉरी, तो ए का वैल्यू वन, तो लॉग इसका इंटीग्रेशन लॉग वन माइनस जेड। लेकिन देखिए माइनस जेड है तो माइनस जेड का कोएफिशिएंट क्या माइनस वन है, तो माइनस वन से डिवाइड देना पड़ेगा ना, तो डिवाइड दिए हैं। अब माइनस बी का वैल्यू माइनस है वन है, तो वन इंटू लॉग इसका इंटीग्रेशन लॉग टू माइनस जेड। लेकिन माइनस जेड का कोएफिशिएंट क्या है माइनस वन, तो माइनस वन से डिवाइड देना पड़ेगा प्लस ही, तो ये होगा देखिए माइनस में मल्टीप्लाई हो जाए तो माइनस लॉग वन माइनस जेड हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस लॉग टू माइनस जेड प्लस सी। पॉजिटिव है तो पहले लिख देंगे, नेगेटिव को लास्ट पीछे, टू लॉग टू माइनस साइन एक्स माइनस लॉग जेड का वैल्यू पुट कर दिया हमने, तो साइन एक्स है जेड का वैल्यू, तो साइन एक्स टू माइनस साइन एक्स माइनस लॉग वन माइनस साइन एक्स प्लस सी। लॉग एम माइनस लॉग एन इज इक्वल टू लॉग एम बाई एन, फॉर्मूला पे पुट कर दिए इतना प्लस सी, फॉर्मूला होता है ना जी लॉग एम माइनस लॉग एन इज इक्वल टू लॉग एम बाई एन। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, देखिए ये आपका क्वेश्चन है इतना इतना गिवन आई इज इक्वल टू इतना, इसी को इंटीग्रेट करना है, तो लेट जेड इज इक्वल टू एक्स इंटू ई एक्स। ठीक है, जेड इज इक्वल टू मान लीजिए इसको जेड, देन इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो यू इंटू वी फॉर्म पे है, तो क्या करते हैं यू इंटू वी फॉर्म पे रहता है, तो एक को कॉन्स्टेंट रखते हैं और दूसरे को डिफ्रेंशिएट करते हैं प्लस, फिर दूसरे को कॉन्स्टेंट रखते हैं और पहले को डिफ्रेंशिएट करते हैं। देखिए एक्स को पहला मानते हैं हम और यू को टू, तो फर्स्ट को कॉन्स्टेंट रखें यानी इसमें कोई चेंजिंग नहीं, और सेकंड को डिफ्रेंशिएट करते हैं। ठीक, तो ई एक्स का डिफ्रेंशिएशन ई एक्स ही हो जाएगा प्लस, अब टू को कॉन्स्टेंट रखते हैं, देखिए ई एक्स को कॉन्स्टेंट रखें इसमें कोई चेंजिंग नहीं किया, और सेकंड को फर्स्ट को डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो एक्स का डिफ्रेंशिएशन वन, तो वन इंटू वन डी एक्स। ठीक है, अब क्या किया हम ई एक्स इसमें से कॉमन कर लिए, तो बचा आपका क्या है एक्स प्लस वन डी एक्स। अब हम क्या किए ई एक्स को इस साइड लेकर आए, तो डी जेड अपॉन ई एक्स हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से देखिए वैल्यू एक्स का वैल्यू क्या निकल जाएगा, अगर ई एक्स को इधर भेजे तो जेड अपॉन ई एक्स हो जाएगा, तो एक्स का वैल्यू निकल गया इतना। नाउ इंटीग्रेशन आई 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 देखिए इस पर देखिए एक्स प्लस वन डी एक्स इजिकल टू क्या है, एक्स प्लस वन डी एक्स इजिकल टू डी जेड अपॉन ई एक्स, तो डी जेड अपॉन ई एक्स पुट कर दिए, एक्स का वैल्यू क्या है डी जेड अपॉन ई एक्स, तो देखिए एक्स का वैल्यू है जेड अपॉन ई एक्स, तो जेड अपॉन ई एक्स कर दिए, एक्स का वैल्यू पुट कर दिए, अगर वन प्लस इसको जेड माने तो वन प्लस जेड। ठीक है, तो ये तो आप कट गया, तो बचा आपको क्या देखिए इंटीग्रेशन आई इजिकल टू बचा डी जेड अपॉन, ये तो बचा जेड इंटू वन प्लस जेड, इतना ही ना बचा, तो देखिए इंटीग्रेंट आ गया आपका इतना, इस तरह का फर्स्ट फैक्टर सेकंड फैक्टर, तो ए अपॉन जेड प्लस बी अपॉन वन प्लस जेड। ठीक है, पहला फैक्टर सेकंड फैक्टर, अब इसको एलसीएम लीजिए, तो एलसीएम लीजिएगा तो ये इसमें अपॉन इन दोनों का प्रोडक्ट, तो देखिए मल्टीप्लाई किए हैं वैसे ये, और इतना लिए हैं तो ये पार्ट कैंसिल आपका। ठीक है, तो वन इज इक्वल टू देखिए अब ये इतना हो जाएगा आपका, बचेगा आपका यही ना सिर्फ
ये वाला ना, देखिए पुटिंग जेड इज इक्वल टू जीरो एंड जेड इज इक्वल टू माइनस वन, वी गेट, अगर जेड को जीरो यहाँ पुट करते हैं तो आपका बी का वैल्यू क्या निकलेगा, जीरो हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, ए का वैल्यू वन आ जाएगा, तो वन आप ये सब माइंड में कर सकते हैं और बी का वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। अब बी का वैल्यू हो जाएगा माइनस वन, ठीक, बी का वैल्यू माइनस वन कैसे होगा, तो देखिए यहाँ पे माइनस वन जेड इज इक्वल टू माइनस वन, तो वन माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, तो ए इक्वल जीरो, तो बी इंटू माइनस वन इज इक्वल टू माइनस बी इज इक्वल टू वन एंड बी इज इक्वल टू माइनस वन, ठीक है, समझ गए होंगे। अगर नहीं है समझ में आया तो खुद से पुट करके देख लीजिए, आपका वैल्यू आ जाएगा इतना। आगे देखते हैं, देखिए इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू हो गया आपका, ये इस फॉर्म में है तो अलग अलग इंटीग्रेट कर दिए, आपका इतना इज इक्वल टू इतना बराबर है ना डिजिट, तो देखिए एक कॉन्स्टेंट था बाहर कर लिए थे और इसका जेड का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन वन अपॉन जेड का इंटीग्रेशन लॉग जेड, बी कॉन्स्टेंट है बाहर और इसका इंटीग्रेशन लॉग वन प्लस जेड प्लस सी, तो ए का वैल्यू वन, ए का वैल्यू वन था ना, तो ए वन इंटू लॉग जेड, तो लॉग जेड रह जाएगा, और बी का वैल्यू माइनस वन, तो माइनस लॉग इंटू वन प्लस जेड प्लस सी, बी का वैल्यू पुट कर दिए तो माइनस जो कि माइनस वन है, तो लॉग एम माइनस लॉग एन, ठीक है, तो लॉग जेड अपॉन एम अपॉन एन, ये एम है क्या, ये एन है, तो एम अपॉन एन फॉर्मूला के हिसाब से होता है, तो जेड इज इक्वल टू क्या है, लॉग एक्स, जेड इज इक्वल टू एक्स इंटू ई का पावर एक्स है, तो लॉग एक्स इंटू ई का पावर एक्स अपॉन वन प्लस एक्स इंटू ई का पावर एक्स, यानी जेड का वैल्यू पुट कर दिया, ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर फोर देखिए, जो कि आपके लास्ट है, देखिए आपका लास्ट है, देखिए ये आपका क्वेश्चन है, गिवन है आपका इतना, लेट जेड इज इक्वल टू कॉस एक्स, देन इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा जेड डी जेड, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स डी एक्स, माइनस साइन को सर लेंगे तो माइनस डी जेड हो जाएगा इज इक्वल टू साइन एक्स डी एक्स, ठीक है, नाउ इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू इतना, तो देखिए साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू कितना, माइनस डी जेड इतना हो जाएगा, फिर वन माइनस कॉस एक्स, कॉस एक्स को हमने जेड बनाया था, वन माइनस जेड इंटू टू माइनस कॉस एक्स यानी टू माइनस जेड, ठीक। आपका देखिए इंटीग्रेंट इस फॉर्म में आ गया है, फर्स्ट फैक्टर सेकंड फैक्टर, तो ए अपॉन वन माइनस जेड प्लस बी अपॉन टू माइनस जेड, ठीक, ऐसे में लीजिए तो ऐसे में आपका इतना हो जाएगा अपॉन इतना, ये एक आपका कट जाएगा, यानी ए इसमें इससे, इसमें इससे मल्टीप्लाई कीजिए और इन दोनों का प्रोडक्ट लीजिए नीचे में और के रूप में, ठीक है, माइनस वन इज इक्वल टू ए इंटू टू माइनस जेड प्लस बी इंटू वन माइनस जेड, आप इसको इक्वेशन वन मान लीजिए, पुटिंग जेड इज इक्वल टू वन एंड जेड इज इक्वल टू टू इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, यानी ए और बी का वैल्यू निकाल रहे थे, ए का वैल्यू निकला आपका वन, वन कैसे निकला, जब जेड का वैल्यू वन पुट किया तब जेड का वैल्यू आया आपका माइनस वन, इसमें बी का वैल्यू आ जाएगा आपका वन, नाउ इसका देखिए ये है इतना कि ये किसके बराबर है, आपके इसके बराबर है, समझ रहे हैं, नाउ देखिए माइनस साइन था इसका, ए कॉन्स्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, बाहर आ गया है, और इसका इंटीग्रेशन लॉग वन माइनस जेड, लेकिन जेड का कोएफिशिएंट क्या है आपका माइनस वन है, तो माइनस वन से मल्टीप्लाई पहले कर दिए हैं, देखिए तो वन माइनस है, माइनस का मतलब क्या है माइनस वन, देखिए इसका इंटीग्रेशन करेंगे बी बाहर कॉन्स्टेंट आ गया है, बाहर है, इसका इंटीग्रेशन लॉग टू माइनस जेड, माइनस जेड ये भी इसका कोएफिशिएंट क्या है माइनस वन, तो माइनस वन से डिवाइड दिया तो माइनस वन, ये भी हो गया। अब देखिए ए और बी का वैल्यू पुट करना था, ए का वैल्यू माइनस वन, अब ए का वैल्यू वन है रहता है पॉजिटिव, तो इसमें कोई चेंज नहीं हुआ, तो देखिए इसमें माइनस ए का वैल्यू माइनस वन है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो लॉग देखिए प्लस हो गया, तो लॉग वन माइनस जेड इज इक्वल टू के जेड इक्वल टू क्या कॉस एक्स, ये तो प्लस हो गया, तो लॉग वन माइनस कॉस एक्स, ये तो माइनस से रहेगा क्योंकि बी का वैल्यू क्या है वन है, तो माइनस लॉग टू माइनस कॉस एक्स, जेड का वैल्यू पुट कर दिया तो कॉस एक्स है प्लस सी, यानी माइनस ए और बी का वैल्यू पुट करके हमने जो आया उतना कर दिया है, तो लॉग आपका इतना वन माइनस कॉस एक्स माइनस टू कॉस एक्स प्लस सी, यानी एम लॉग एम माइनस लॉग एन, तो लॉग एम बाई एन फॉर्मूला पे पुट कर दिया है, आपका आंसर हो गया। फ्रेंड्स मेरे वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, थैंक यू फॉर वॉचिंग।